कल पहली बार अध्यक्ष जी एक शादी अटेंड करने के लिए गया मैं रामलीला मैदान के महारैली के बाद बवाना के दरियापुर में। वहां पर पिछले 3-4 दिनों से लोग कोशिश तो कर रहे थे फोन के माध्यम से, मैं आपको अभी नंबर भी दूंगा, कई लोग कहते ना सबूत दो सबूत दो सबूत दो, आज दिल्ली विधानसभा के अंदर में सबूत मैं दूंगा कि किस तरह से इन्होंने घटिया काम करने का काम किया और किस तरह का घटिया चीज कर रहे हैं लोग। 3-4 दिन से फोन पे तो कोशिश कर रहे थे, कल दरियापुर में जब मैं शादी में गया, मैं आपको समय भी बताऊंगा, आज के तारीख में मोबाइल फोन हर आदमी की परछाई होती है, आप कहां जा रहे हैं आपका लोकेशन भी ट्रेस हो सकता है, कितना देर है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सब कुछ ट्रेसेबल है। कल दरियापुर में 9:15 बजे के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी, 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहार पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से। बीजेपी की सरकार के अंदर दिल्ली में जब हमने उनसे कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग टूटने वाले हैं, उन्होंने बोला बेवकूफी मत करो, अगर आप नहीं मानोगे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ जाते। इतनी शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात को आपको जांच करानी है तो कराइए। कल रात को 9:18 पर मैं जिस जगह पर था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो जो नेता थे हमारे साथ उपलब्ध थे, उनका भी मोबाइल का जो नेटवर्क है, उनका जो लोकेशन है, वो ट्रेस हो जाएगा। आज सुबह जब कल रात को मेरी बातचीत उनसे हुई और मैंने जो कहना था कह दिया, आज सुबह 9:14 पर इंटरनेट का नंबर है, ये इंटरनेट कॉलिंग, मैं वो नंबर आपको बताना चाहता हूं, उससे कॉल आ रहा है कि कल रात को हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हुई है, अगर इस बारे में आपने किसी से कुछ भी कहा तो आपके साथ ठीक नहीं होगा, धमकी दे रहे मुझे, और नंबर है +92347735503। आई रिपीट +92347735503। ये नंबर है, 9:14 पे फोन आया, उसके बाद 3-4 बार फोन हो रहा है, 3-4 बार हो रहा है अध्यक्ष जी। रात को वहां पे संपर्क किया जब उनको लगा कि हो सकता है ये नौजवान जो है सो जाकर के सबको बता देगा, आज सुबह से मुझे फोन कर रहे हैं इस इंटरनेट कॉलिंग से और मुझे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। देखिए हमारे नेताजी को इन्होंने झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया, अब हम लोग को डरा रहे हैं, हम लोग डरने वाले हैं, हम लोग मर जाएंगे कट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कभी भी गद्दार ही नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ये दिल्ली की जो जनता है 2 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपने नेता को चुना है। अध्यक्ष जी हम सब काम करना चाहते हैं, ये घटिया राजनीति, एक शरद चंद्र रेड्डी का तो केस आप सब देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस किस पैसे से हो रहा है और किस तरीके से ये लोगों ने 60 करोड़ रुपया लेकर के इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से उसको छोड़ दिया, उसी के गवाही पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ लिया। अध्यक्ष जी मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक एक साथियों को कहना चाहता हूं, पहली बार मुझे संपर्क किया गया है और मैं सबूत के साथ इस सदन में बोल रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस नंबर की जांच होनी चाहिए, जो बात मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले हम सब जानते थे कि ये लोग वोटों की चोरी करते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे, जैसे कि ये वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ चंडीगढ़ के अंदर में मेयर चुनाव में पकड़े गए, जिस तरीके से हम लोग जानते थे ये दोनों रंगा बिल्ला पूंजीपतियों के दलाल हैं,
पूंजीपतियों के इशारे पे सरकार चलाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के सामने की चोरी पकड़ी गई, किस तरीके से सट्टा चलाने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग से पैसा लेते हैं, किस तरीके से बीफ कंपनी से पैसा लेते हैं, किस तरीके से शरद चंद्र रेड्डी से शराब माफिया से पैसा लेकर के उसको बेल पर छोड़ते हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं सारे देश के सामने। अब साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जहां जहां एमएलए तोड़ा जाता है, जिस स्टेट में तोड़ा जाता है, जहां भी सरकार तोड़ी जाती है एक ही पार्टी है, जहां भी दंगे कराए जाते हैं एक ही पार्टी है, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम लोग मरते दम तक हैं, हमेशा रहेंगे। हम लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से उठा करके उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हमारी औकात नहीं थी राजनीति में आने की। मैं एक छोटे से मास्टर का बेटा था, छोटी मोटी नौकरी करता था। हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। मरते दम तक मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, फिरने का काम नहीं करेंगे।